दोस्तों हम लोग रेडी हो गए हैं। अरे देखना पड़ेगा देखना पड़ेगा, एक मिनट समय दे दे। चलिए पहले देखे, मैं रेडी हो गया। आज हम लोग पूरा फुल्ली देसी लुक। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो आज हम लोग के पूरी में सेकेंड डे स्टे हो गया और अभी हम लोग जा रहे हैं बजट मीटिंग में। और अभी हम लोग यहाँ से रूम जो रिसोर्ट था उसको ट्रांजिट करेंगे और हम लोग अनन्या रिसोर्ट में जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट डे यहाँ पे मैंने रहा और सेकेंड डे अनन्या में जाने का प्लान है। तो हम लोग पूरा टीममेट रेडी हो गए हैं और अब अनन्या रिसोर्ट का एंजॉय करेंगे। तो दिखाते हैं आप सभी को, ये है और बाकी देखिए मेरे पूरा टीममेट सब आगे जा रहे हैं। अरे हमारे कौशल भैया हैं, चलिए भैया। अरे हमारे पास है ये सब, हमारे पीछे होटल है, हम लोग आशीर्वाद होटल में स्टे किए थे। बट आप लोग को एक चीज़ में सलाह दूंगा कि अगर आप कहीं भी स्टे करते हैं, अगर ऑटो से आते हैं या कुछ भी से आते हैं, अगर आपको पैसा बचाना है तो आप ऑटो वाला को वहाँ पे मतलब छुड़वा करके और उसके बाद आप खुद इंडिविजुअल रूम खोजें, उससे आपको है कि ऑटो वाला का कमीशन बच जाएगा और उसमें आपको बेनिफिट मिल जाएगा। नहीं तो जो रूम आपको 1400 का है वही आपको 2400 रुपये का सुनाएगा। आप कितना भी करेंगे तो 2200 रुपये से नीचे नहीं आएगा, क्योंकि ऑटो वाला का भी कमीशन देना होता है। आप अगर स्टेशन पर चढ़ते हैं तो उसके बाद रूम तक छोड़ने के बाद उस ऑटो वाला का कमीशन बन जाता है कि चलो मेरा मेहमान आया है तो हम तक चलते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान दें, थोड़ा सा चलाकी बरतेंगे तो आपका पैसा। अब हम लोग आ गए हैं VIP रोड पूरी में और हमारे मित्र हैं जो अंकित भाई है। अब हम लोग जाएंगे अनन्या रिसोर्ट में, अब वहाँ का एंजॉय करेंगे। चेकिंग है ना आपका, कितना रूम में है? 411। हम लोग का 404 है ना, एक से रूम का अंकित कर दिए इसमें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर, मैं जा रही हूँ। गुड मॉर्निंग। हाँ आधार कार्ड लाइए, एजेंट रेज का कर लीजिएगा 411 का। ओम प्रकाश के दिए होंगे आधार कार्ड? 3 हो रहा है, यहाँ पे सारे लोग ट्रांजिट के लिए लगे हुए हैं। सारे लोग चेकआउट कर रहे हैं, हम लोग का नंबर कब आएगा भैया? 400 तो हो गया। टाइम देख के
जाएंगे कैसे तो लेगा भैया। अभी वेटिंग एरिया में बैठे हुए हैं, वेटिंग हॉल में देखे लोग चेक इन कर रहे हैं, हम लोग के नंबर आ गया है और हम लोग जाएंगे होटल अनन्या रिसोर्ट नियर पूरी जंक्शन से 3 किलोमीटर दूरी पे है। और यहाँ पे जो भी चेक इन या चेकआउट होता है ये 8 से लेकर के 9 के बीच में होता है। तो अगर आप पूरी में आते हैं और अनन्या होटल रिसोर्ट में अगर आप एंट्री करते हैं या स्टे करना चाहते हैं तो 8 बजे से पहले हैं, 8 से 9 के बीच में आपको यहाँ पे सारा चीज़ अवेलेबल है। क्योंकि सर्विसेज में मैडम लोग का कोई गलती नहीं है, जब तक अगला आदमी चेकआउट नहीं करता है तो कैसे रूम हम लोग के देंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो जाता है वो चेकआउट तो 9 बजे से पहले कोई करना नहीं चाहता है, ठीक है। तो जितना रूम है सीमित और आदमी ज़्यादा हो गया तो जब तक वो चेकआउट नहीं करेगा तब तक किसी की एंट्री नहीं मिलेगा। तो बाकी फैसिलिटी में इज गुड, कोई दिक्कत नहीं है, आप आए अनन्या रिसोर्ट आपको इंजॉय फील मिलेगा। तो अभी बस मीटिंग से अभी जस्ट बाहर निकले और 5 मिनट के लिए अब हम लोग रेस्टोरेंट में आ गए हैं दोस्तों और अभी कुछ देर में खाना खाएंगे। दोस्तों हम लोग ने रेस्टोरेंट में खाना खा लिया, खाने के बाद हमारे मित्रगण इसके साथ ही आ रहे हैं, ठीक है, जाते हैं हम लोग खाना। वाह खुल गया, सब चीज नहीं करल जाता है। चलिए वाह ये है अपन का रूम, थोड़ा सा ए